So hi everyone, welcome to my channel, and this is the second video of European classical literature, that is Aristotle Poetics. So here I will be discussing with you the important question answers. So the first question is, write a short note on Aristotle's early life. So Aristotle ki early life ke bare mein aapko isme batana hai. So first is Aristotle jo hai unka janam hua tha 384 BCE mein in Sthagira, and also wo jo ek small town mein rehte the in northern Greece. Unke father jo the jinka naam tha Nicomas, वो जो है एक कोर्ट फिजिशियन थे टू किंग अमिंटास थ्री ऑफ मैकेडोन, एंड दिस गेव एरिस्टोटल एक्सेस टू प्रिविलेज अपब्रिंगिंग. तो इससे उनको जो एक प्रिविलेज अच्छी अपब्रिंगिंग मिली थी. एट द एज ऑफ 17 जो एरिस्टोटल थे वो कहाँ गए थे, वो एथेंस गए थे टू स्टडी एट प्लेटोस एकेडमी. देयर उन्होंने क्विकली जो है एक गेन करी थी रेपुटेशन एज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, एंड ऑल्सो बट ही ऑल्सो चैलेंज सम प्लेटोस आइडियाज, जैसे पर्टिकुलरली हिज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स. सो आफ्टर प्लेटो जो है उनकी डेथ हो गई थी इन 347 BCE, अरिस्टोटल जो थे लेफ्ट द एकेडमी. सो उन्होंने लेफ्ट कर दी एकेडमी एंड उन्होंने ट्रैवल किया टू एशिया माइनर एंड एगियन आइलैंड, वेयर ही उन्होंने कंटिन्यू करी अपनी स्टडीज एंड कंडक्टेड साइंटिफिक रिसर्च. देन वी हैव इज इन 343 BCE. सो अरिस्टोटल जो है वो इन्वाइट किया था उन्होंने, वॉज इन्वाइटेड बाय द किंग फिलिप. सो उनको इन्वाइट किया गया था बाय द किंग फिलिप टू ऑफ मैकेडोन टू ट्यूटर हिज सन. तो उनको जो है अपने मतलब उनके बेटे को पढ़ाना था एज अ किंग, को किंग के बेटे को उन्हें पढ़ाना था अलेक्जेंडर द ग्रेट. सो यू कैन इजिली रिमेंबर कि अलेक्जेंडर के द ग्रेट को जो किन्होंने पढ़ाया, अरिस्टोटल ने. सो अरिस्टोटल ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था एंड उन्होंने स्पेंड किए सेवरल ईयर्स ऑफ टीचिंग अलेक्जेंडर एंड हिज पीयर्स, मतलब उसके फ्रेंड्स वगैरह या फिर उसके क्लासमेट्स. उन्होंने जो कंडक्ट किए साइंटिफिक रिसर्च एंड सम ऑफ द बुक्स उन्होंने, फेमस बुक्स उन्होंने लिखी थी द पॉलिटिक्स एंड द निकोमेकियंस एथिक्स, समथिंग लाइक दैट. आफ्टर अलेक्जेंडर डेथ इन 323 BCE, अरिस्टोटल जो थे फिर रिटर्न कर गए थे टू एथेंस एंड उन्होंने फाउंड किया था अपने एक स्कूल द लाइसियम. सो देयर ही कंटिन्यू, उन्होंने अपनी टीचिंग कंटिन्यू करी एंड कंडक्ट किए रिसर्च अंटिल हिज डेथ, दैट इज 322 BCE, दैट इज बिफोर सेंचुरी समथिंग लाइक दैट, एट द एज ऑफ 62. अरिस्टोटल का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टू फिलोसफी साइंस एंड पॉलिटिक्स, वो जो एक वेस्टर्न मतलब उसने वेस्टर्न को भी जो इम्पैक्ट किया है थ्रू आउट एंड कंटिन्यू करते टू बी स्टडीड एंड डिबेटेड टिल टुडे. तो ये आज जो डिबेट में रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गुड ट्रेजिडी. सो एक गुड ट्रेजिडी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है एक गुड ट्रेजिडी का, डेट इज अ प्लॉट. सो द प्लॉट शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड. सो उसका एक अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्लियर बिगनिंग मिडल और एंड होना चाहिए प्लॉट का. इवेंट जो है प्लॉट में वो शुड बी कैजुअल कनेक्टेड, मतलब उसमें कनेक्शन अच्छा होना चाहिए. एंड द प्लॉट जो है उसमें एक यूनिटी होनी चाहिए ऑफ एक्शन, मतलब कि ये नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आपको शो रहे हैं. नेक्स्ट यू हैव इज कैरेक्टर, दैट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गुड ट्रेजेडी. सो द करेक्टर, दैट इज द करेक्टर शुड बी बिलीवेबल, कि ऐसा नहीं होना चाहिए वो हवा में बात कर रहे हैं, विद क्लियर उनका मोटिवेशन होना चाहिए और क्लियर पर्सनैलिटी होनी चाहिए. मेन करेक्टर होना चाहिए उसमें प्रोटैगनिस्ट होना चाहिए एंड शुड बी अ पर्सन ऑफ नोबल स्टेचर टाइप ऑफ स्टेटस एंड हैव अ ट्रैजिक फ्लॉ विच लीड्स टू देयर डाउनफॉल. नाउ वी हैव इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दैट इज फीचर ऑफ अ गुड ट्रेजेडी, दैट इज थॉट. सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट थॉट होना चाहिए, एक यूनिवर्सल थीम होनी चाहिए इसमें, लाइक ह्यूमन कंडीशन, फेट या फ्री विल, एंड द ट्रेजेडी शुड हैव अ क्लियर मॉरल लेसन. देन वी हैव अ डिक्शन. सो द डिक्शन इज द लैंग्वेज यूज्ड इन द ट्रेजेडी शुड बी अप्रोप्रिएट, मतलब जो लैंग्वेज है, जो सेटिंग है, कैरेक्टर्स वगैरह की, वो सब एकदम क्लियर होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट होनी चाहिए एंड बहुत ज्यादा कॉन्साइज करना चाहिए एंड पोइटिक होना चाहिए. नेक्स्ट यू हैव इज अबाउट म्यूजिक. सो इन म्यूजिक वी हैव इज द म्यूजिक एंड रिदम जो है ट्रेजेडी का शुड बी कॉम्प्लीमेंट द प्लॉट एंड द इमोशंस ऑफ द करेक्टर. देन वी हैव इज स्पेक्टेकल, दैट इज जो विजुअल एलिमेंट्स है ऑफ ट्रेजेडी सच एज कॉस्ट्यूम सेट्स एंड स्पेशल इफेक्ट्स, ये सब भी है जो है वो एनहेंस करते हैं परफॉर्मेंस को एंड नॉट बी द फोकस ऑफ इट, मतलब कि ये शुड बी शुड एनहेंस द परफॉर्मेंस एंड इसके ऊपर ही सारा फोकस नहीं होना चाहिए. एंड नेक्स्ट वी हैव इज अरिस्टोटल जो वो बिलीव करते हैं कि गुड ट्रेजेडी है शुड एलिसिट feelings of pity and fear in the audience and that it should be cathartic effect on the emotions of the viewer, something like that. इस word को आप use कर सकते हो, maybe skip भी कर सकते हो because आपको overall एक answer तो पता चल ही गया. नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज व्हाट इज अरिस्टोटल्स कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ लिटरेरी क्रिटिक. बट इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन बताने चाहती हूँ, डैट इज मैं रीड करूंगी उसे बिकॉज वो एक इंपॉर्टेंट चीज है तो ये आपको पता होना चाहिए.
सो एरिस्टोटल पोइटिक्स इज अ ट्रीटीज ऑन लिटरेरी थ्योरी दैट एक्सप्लोर्स द नेचर ऑफ ट्रेजेडी एंड एपिक पोइट्री. इट डिस्कसेस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेचर इंक्लूडिंग प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, म्यूजिक एंड स्पेक्टिकल. सो ये मैंने आपको पिछले आंसर बताया. एंड आउटलाइंस द की एलिमेंट्स दैट मेक्स अ सक्सेसफुल लिटरेरी वर्क. एरिस्टोटल आर्ग्यूज दैट ट्रेजेडी इज एन इंटीमेशन इमिटेशन ऑफ सीरियस एंड कंप्लीट एक्शंस and that have a certain magnitude, unity and complexity, and that they evoke feelings of pity and fear in the audience. He also emphasizes the importance of catharsis on the purging of these emotions through the viewing of the tragic work. Additionally, jo hai wo distinguish karte hai between different kinds of characters and how they contribute to the overall effect of the work. Overall, Aristotle Poetics has had a significant influence on Western literary theory and criticism. So now we have this answer, that is, what is Aristotle's contribution as a literary critic? So Aristotle ka jo contribution tha literary criticism mein, wo was a significant and enduring tha. And in his Poetics, Aristotle jab set karte forth a comprehensive analysis of Greek tragedy and epic poetry, wo establish karte fundamental principles of dramatic structure and characterization and the language that have influenced Western literature and drama of centuries. Next we have is Aristotle, jo hum ko ye bhi provide karte hai, unka main contribution hai in his concept of mimesis, and which is the idea that art imitates life. According to Aristotle, jo function of literature is to imitate human action and character through this imitation and to provide insight into the human condition. Next we have is, in addition, you can read this paragraph yourself, that is this one. So next paragraph we have is, in addition, Aristotle jo hai wo discuss karte hai role of poet in society, arguing that poets jo hai wo bahut zyada valuable hai, and then the historians because they deal with the universal truth and have the ability to create new worlds throughout their art. ओवरऑल जो अरिस्टोटल की पोइटिक्स है वो एक प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस करती है ऑन द लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड द स्टडी ऑफ ड्रामा एंड हिज आइडियाज अबाउट द नेचर एंड द फंक्शन ऑफ लिटरेचर कंटिन्यू टू बी डिबेटेड एंड डिस्कस्ड बाय द स्कॉलर्स एंड राइटर्स सिंस टुडे. नेक्स्ट वी हैव इट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लॉट एंड कैरेक्टर इन द ट्रेजेडी इन अरिस्टोटल पोइटिक्स. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज ऑफ प्लॉट एंड कैरेक्टर इन द ट्रेजेडी. सो फर्स्ट वी हैव इज, इन एरिस्टोटल पोइटिक्स जो प्लॉट और कैरेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट थे एक ट्रेजेडी के, मतलब है भी. एंड अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल जो प्लॉट है, द प्लॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट बिकॉज ये अरेंजमेंट होता है ऑफ इवेंट्स एंड जो कि लेड टू करता है ट्रेजिक आउटकम्स को. जो प्लॉट है शुड बी स्ट्रक्चर्ड इन अ वे डेट ये क्रिएट करे सेंस ऑफ इनएविटेबिलिटी एंड जनरेट करे एंड इमोशनल रिस्पॉन्स इन द ऑडियंस. It should have a beginning, middle and end and should include a reversal of fortune, a moment of recognition and or realization or resolution. Next we have is ki jo plot hai apka alone is not enough to create a successful tragedy. Aristotle batate hai ki believe karte hai that character is also important and as it is through the actions and discussions of the character that jo plot hai wo unfold ho jaye, and jo characters hai in tragedy should be well developed and their actions should be consistent with their personalities and motivations. Thus according to Aristotle, both jo plot and character hai are essential in a tragedy, and jo plot hai wo provide karta hai structure and events that led to the tragic outcome, while jo character hai wo bring karte hai plot to life and create emotional resonance with the audience. I think this is the last question, that is, do you agree with the Aristotle's views that tragedy as a genre is better than epic poetry, and give reason. So Aristotle ka view hai tragic and epic poetry pe, that is, Aristotle believe karte hai ki jo tragedy as a genre was superior to epic poetry. To wo jo is superior hai epic poetry se, because his argument rested on several points. जो फर्स्ट उनका मेन रीजन है, दैट इज कि ट्रेजेडी जो है वो फोकस करता है ऑन द स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स, वेयर इज जो एपिक पोएट्री है वो कवर करती है एक ब्रॉड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, मेकिंग इट मोर चैलेंजिंग, और डेवलप करती है एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन विद द कैरेक्टर्स. सेकेंडली, अरिस्टोटल ये भी आर्ग्यू करती है कि ट्रेजेडी जो है वो अचीव करती है अ हायर लेवल ऑफ इमोशनल कैथारसिस, एंड ट्रेजिक इवेंट्स जो है वुड इवोक पिटी एंड फियर इन द ऑडियंस, लीडिंग टू रिलीज of these emotions and sense of emotional purification.
इन कॉन्ट्रास्ट एपिक पोएट्री जो है विद इट्स मोर डिटैच स्टोरी टेलिंग वुड नॉट क्रिएट द सेम इमोशनल इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस। फाइनली अरिस्टोटल जो है वो प्रेज करते ट्रेजेडी ऑफ इट्स यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन वेर इज एपिक पोएट्री ऑफन लैक करता है सच एज यूनिटी मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट टू क्रिएट अ कोहेसिव एंड इम्पैक्टफुल नैरेटिव। सो द नेक्स्ट वी हैव इज यस सो ओवरऑल अरिस्टोटल जो वो बिलीव करते हैं दैट ट्रेजेडी वॉज मोर इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल जेनर देन एपिक पोएट्री बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू फोकस ऑन द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स एंड वो अचीव कर सकते हैं हायर लेवल ऑफ इमोशनल कैथेरेसिस एंड मेंटेन कर सकता है यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन आई थॉट प्रीवियस वन वॉज द लास्ट बट दिस इज गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन दैट इज राइट एरिस्टोटल ऑन अरिस्टोटल्स पोएटिक्स एज एन इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल टेक्स्ट। सो अरिस्टोटल का जो पोएटिक है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल टेक्स्ट इन वेस्टर्न लिटरेचर। ये जो वर्क है इट इज अ वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड इट वॉज रिटन इन 4th century BCE। इट इज कंसिडर्ड एज द अर्लिएस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क ऑफ लिटरेरी थ्योरी। इन पोइटिक्स अरिस्टोटल जो है वो एनालाइज करते हैं एलिमेंट्स डेट मेकअप अ ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर इंक्लूडिंग जैसे बताया प्लॉट करेक्टर लैंग्वेज एंड स्पेक्टेकल यस। सो ये आर्ग्यू करते हैं डेट सक्सेसफुल वर्क जो है ऑफ लिटरेचर मस्ट हैव अ क्लियर एंड कंपेलिंग प्लॉट वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स एंड विद डिस्टिंक्ट ट्रेट्स एंड फ्लॉज एंड यूज ऑफ लैंग्वेज डेट इज अप्रोप्रिएट टू द सब्जेक्ट मैटर एंड द इंटेंटेड ऑडियंस। वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो यूज ऑफ स्पेक्टेकल है सच एज स्टेज इफेक्ट्स और विजुअली इमेजरी जो है वो एनहेंस करते हैं वर्क ऑफ लिटरेचर बट शुड नॉट बी रिलाइड अपॉन टू हैवीली मतलब बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिलाय करना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। ऑल्सो वी हैव इज आई थिंक या सो ऑल्सो वी हैव इज अरिस्टोटल की जो पोएटिक्स है दैट इज हैज हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म एज वेल एज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। So many of the idea and concepts presented in the poetics are still used today and it has been studied and debated by the scholars and the writers of centuries. Some of its key insights such as the idea of work of literature should have a clear beginning, middle and end and have become standard elements of storytelling across many different genres. Overall, Aristotle's poetics remain a very important and influential text in the study of literature. प्रोवाइड करती है वो एक फाउंडेशन फॉर द क्रिटिकल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्क्स ऑफ लिटरेचर दैट कंटिन्यूज टू हिस टू दिस डे। सो विद दिस वी एंड दिस वीडियो हेयर ओनली। ऑल्सो मैंने आपको एक होमवर्क की वीडियो प्रोवाइड कर दी है एंड नेक्स्ट वीडियोज भी जो है आपके लिए जल्दी आ जाएगी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं एंड नेक्स्ट एग्जाम आपका कौन सा है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। स्टे सेफ स्टे पॉजिटिव ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।